हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन के बारे में। पावर ट्रांसमिशन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे शाफ्ट के बारे में कि शाफ्ट क्या होता है और उसके कितने प्रकार होता है। ये दोस्तों, आज हम शाफ्ट के पहले हम देखते हैं कि उसका परिचय क्या क्या होता है। यह आकृति में बेलनाकार होती है और मशीन में घूमकर पावर ट्रांसमिशन का काम करती है और यह घूमने वाले भागों के लिए बेस भी प्रदान करती है। और शाफ्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन का काम जो है, पुली पर फिट किया जाने वाले जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं या मशीनरी पार्ट्स हैं, जैसे गियर पुली आदि के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो प्रयोग या और भी जो से क्वेश्चन आते हैं कि किस लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसको जो सहारा देने के लिए हम बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। और इसकी हम अगर धातु की बात करें तो इसकी धातु स्टील होती है। अब हम बात करेंगे शाफ्ट के प्रकार के बारे में। तो पहले है जैसे हमारे मुख्य शाफ्ट, इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर ग्रुप में लगी मशीनों को एक ही शाफ्ट से पावर देनी हो, या शाफ्ट को मोटर के साथ बेल्ट या चेन के द्वारा जोड़ा जाता है। यह एक सिंपल गोल बेलनाकार शाफ्ट होती है, उसे ही हम मुख्य शाफ्ट कहते हैं। क्रैंक शाफ्ट, इस प्रकार के शाफ्ट की चाल उत्केंद्र होती है। उत्केंद्र का मतलब होता है जहां हमें बिल्कुल रोटेशन में चाल नहीं चाहिए। इसका अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है, जैसे फ्यूल ईंधन को लगातार बिना रुके पहुंचाया जाता है, क्योंकि अगर दोस्तों वहां क्रैंकशाफ्ट यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा फ्यूल या ईंधन है वो ऑटोमोबाइल सेक्शन के इंजनों में डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं स्पिन शाफ्ट। इसके शाफ्ट में परिधि पर अक्ष के समांतर लंबाई में स्लॉट कटे होते हैं, इसे स्पिन शाफ्ट कहते हैं। इसका प्रयोग भी दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्शन में ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैम शाफ्ट की बात। इसका प्रयोग गति की दिशा परिवर्तन करने के लिए आता है, जैसे सर्कुलर मोशन को लॉन्गिट्यूड मोशन में बदलने के लिए, यानी गोल व्हील को घुमाने के लिए, तथा जिसे हमें आगे पीछे सीधे चलाना हो, वहां हम कैम शाफ्ट का प्रयोग करते हैं।